इसके पिछले वीडियो में रिएक्ट नेटिव के कोर कंपोनेंट्स को देखे थे इस वीडियो में रिएक्ट नेटिव स्टाइलिंग को सीखने वाले हैं कि कैसे आप रिएक्ट नेटिव में स्टाइलिंग दे सकते हैं ये नेटिव स्टाइलिंग का डॉक्स है तो इसके हेल्प से रिएक्ट नेटिव स्टाइलिंग को सीखने वाले हैं तो रिएक्ट नेटिव स्टाइलिंग क्या है फर्स्ट पॉइंट है रिएक्ट नेटिव कोर कंपोनेंट्स को स्टाइल करने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज करता है सेकंड पॉइंट है रिएक्ट नेटिव में स्टाइल डिफाइन करने के लिए हमें किसी स्पेशल लैंग्वेज या सिंटेक्स की रिक्वायर नहीं है थर्ड पॉइंट है रिएक्ट नेटिव में जितने भी कोर कंपोनेंट्स हैं वे एक स्टाइल नेम प्रॉप्स मींस प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं फोर्थ पॉइंट है स्टाइल नेम्स और वैल्यू सी से सिमिलर है जो वेब के लिए वर्क करता है फिफ्थ पॉइंट है बस डिफरेंस ये है कि सीएसएस को रिएक्ट नेटिव में कैमल केस में लिखा जाता है और यहाँ पे एक्जाम्पल देख सकते हैं ये फोन साइज रेदर देन फोन साइज ये जो फॉन्ट साइज है ये सी में लिखा जाता है और इसी फॉन्ट साइज को रिएक्ट नेटिव में लिखना चाहते हैं तो इसको कैमल केस में लिखना पड़ेगा सिक्स पॉइंट है style prop एक old JavaScript object है, जो हमारे कोड को स्टाइल करने का सबसे इजी तरीका है दो तरीके से आप स्टाइलिंग दे सकते हैं रिएक्टनेटी में ज्यादातर यूज स्टाइल डॉट क्रिएट का ही होता है क्योंकि ये इजी होता है स्टाइल को लिखने में तो फर्स्ट है इनलाइन स्टाइल तो यहाँ पे व्यू लिया गया है और टेक्स्ट ये रिएक्ट नेटिव से आ रहा है तो इनलाइन स्टाइल देना है तो व्यू के ऊपर ही आप स्टाइल कीवर्ड का यूज करेंगे और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ पे अपने सी एस एस प्रोपर्टीज को लिख सकते हैं तो ये आपका इनलाइन स्टाइल है और सेकेंड है स्टाइल डॉट क्रिएट तो सेम यहाँ पे व्यू और टेक्स्ट को लिया गया है और यहाँ पे स्टाइल्स क्रिएट करना है तो एक स्टाइल लेंगे और स्टाइल के अंदर एक कंटेनर बनाएंगे स्टाइल का नाम है कंटेनर स्टाइल्स डॉट कंटेनर और इस स्टाइल को यहाँ पे डिफाइन करेंगे कॉन्स्ट स्टाइल्स इक्वल टू एस्टाइल सीड डॉट क्रिएट एस्टाइल सीड डॉट क्रिएट को रिएटनेटिव से इंपोर्ट करेंगे और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ पे इस कंटेनर को टारगेट करेंगे जैसे आप सी एस एस में क्लास बनाते हैं सेम वैसे ही यहाँ पे भी क्रिएट करेंगे और कंटेनर के अंदर सी एस एस का प्रॉपर्टीज यूज करेंगे तो इस टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए फ्लैक्स वन लिया गया है और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन सेंटर तो ये सेंटर में आ जाएगा तो इस तरह से स्टाइल सीट डॉट क्रिएट का यूज करके आप स्टाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं देन थर्ड है एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल स्टाइल्स एक टेक्स्ट पे मल्टीपल स्टाइल्स दे सकते हैं तो मल्टीपल स्टाइल देने के लिए पहले स्टाइल क्रिएट करेंगे और उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे और इसके अंदर मल्टीपल स्टाइल्स दे सकते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टाइल वन है और यहाँ पे स्टाइल क्रिएट किया गया है बीजी कलर और एक क्रिएट किया गया है स्टाइल्स डॉट फ़ॉन्ट और इन दोनों को स्टाइल सीट डॉट क्रिएट में टारगेट कर रहे हैं तो बीजी कलर में बैकग्राउंड कलर दिए हैं और फ़ॉन्ट में फ़ॉन्ट साइज तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका प्रिव्यू कुछ इस तरीके से आ रहा है तो चलिए इसको वी कोड में करके देखते हैं तो पहले इनलाइन स्टाइल को देखते हैं जैसे आप रिएक्ट में डिव के ऊपर स्टाइल लेते हैं सेम वैसे ही रिएक्ट नेटिव में भी स्टाइल का यूज करेंगे जैसे यहाँ पे एक डिव में लेता हूँ डिव और डिव के ऊपर स्टाइल का यूज करेंगे और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं तो इस तरह से आप रिएक्ट में स्टाइल का यूज करके स्टाइल करते हैं सेम वैसे ही रिएक्ट नेटिव में भी स्टाइल का यूज करेंगे तो यहाँ पे मैं व्यू लेता हूँ व्यू और एक टेक्स्ट लूंगा टेक्स्ट और यहाँ पे देता हूँ हेलो वर्ल्ड ये हो गया और स्टाइल लेना है तो व्यू के ऊपर स्टाइल लेंगे ये हो गया और इसमें भी एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसके अंदर सी का प्रॉपर्टीज लिखेंगे तो इस टेक्स्ट को यहाँ पे सेंटर करना है तो सेंटर करने के लिए फ्लैक्स वन का यूज करूंगा फ्लैक्स वन और सेंटर करना है तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करूंगा तो ये यहाँ पे सेंटर हो जाएगा और इसको यहाँ पे सेंटर करना है तो अलाइन आइटम सेंटर करूँगा अलाइन आइटम्स सेंटर तो ये यहाँ पे सेंटर हो गया और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टीज का यूज करूँगा और यहाँ पे रेड करेंगे तो ये रेड हो गया यहाँ पे ब्लू करते हैं तो ये ब्लू हो गया अब इस टेक्स्ट को स्टाइल देते हैं तो यहाँ पे स्टाइल कीवर्ड का यूज़ करेंगे और यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज देंगे ट्वेंटी तो इसका फ़ॉन्ट साइज ट्वेंटी हो गया आप ए भी कर सकते हैं तो ये ए हो गया तो इस तरह से आप इनलाइन स्टाइल कर सकते हैं नेटिव में सेम है जैसे आप रिएक्ट में यूज करते हैं वैसे ही आप नेटिव में भी यूज कर सकते हैं देन सेकेंड है स्टाइल सीट डॉट क्रिएट तो इसको देखते हैं तो इसको रिमूव करेंगे और आर एन एफ रियक्नेटिव फंक्शनल कंपोनेट क्रिएट हो गया और यहाँ पे ये ऐप दिख रहा है ठीक है तो सबसे पहले स्टाइल सीट डॉट क्रिएट को क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट स्टाइल्स इक्वल टू तो यहाँ पे स्टाइल सीट को लेंगे स्टाइल सीट ये आपका स्टाइल सीट आ गया और ये टॉप पे इंपोर्ट हो जाएगा रिएक्ट नेटिव से डॉट क्रिएट और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट लेंगे स्टाइल सी डॉट क्रिएट के अंदर स्टाइल नेम देंगे जो भी आपने क्रिएट किया है और उसके अंदर सी एस एस प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे तो यहाँ पे स्टाइल नेम देते हैं स्टाइल स्टाइल नेम देना है तो सबसे पहले स्टाइल्स लेंगे और डॉट कंटेनर ठीक है तो ये आपका कंटेनर आ गया और इस कंटेनर को यहाँ पे टारगेट करेंगे और कंटेनर के अंदर सी एस एस प्रोपर्टीज का यूज करेंगे तो यहां पे लेते हैं कंटेनर सेम वैसे ही जैसे आप क्लास बनाते हैं क्लास बनाते हैं देन स्टाइल डॉट सी के अंदर क्लास को टारगेट करते हैं सेम वैसे ही करना है तो इस टैग्स को यहां पे सेंटर करना है तो फ्लैक्स का यूज करेंगे फ्लैक्स वन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर तो ये यह यहां पे सेंटर हो गया और इसको यहां पे सेंटर करना है तो अलाइन आइटम सेंटर तो ये यहाँ पे सेंटर हो गया सेम ऐसे ही आप टेक्स्ट के लिए भी स्टाइल क्रिएट करेंगे तो यहां पे देते हैं स्टाइल इक्वल टू करली ब्रैकेट करली ब्रैकेट के अंदर स्टाइल्स लेंगे डॉट टेक्स्ट और यहां पे टेक्स्ट को टारगेट करेंगे टेक्स्ट और टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज लेते हैं फ़ॉन्ट साइज 80 तो इस टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 80 हो गया तो सेम वैसे ही है जैसे आप रियक्ट में क्लास नेम बनाते हैं सेम वैसे ही है यहाँ पे क्लास नेम बना दिए और उसको यहाँ पे यूज कर लिए सेम ऐसे ही है आप स्टाइल का यूज कर रहे हैं और स्टाइल के अंदर स्टाइल नेम दे रहे हैं और इस नेम को यहाँ पे यूज कर रहे हैं इस टेक्स का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देंगे ग्रीन इस टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया अब यहां पे मल्टीपल स्टाइल कैसे दे सकते हैं तो मल्टीपल स्टाइल देने के लिए क्या करेंगे तो यहां पे, एक text लेंगे, text, यहां पे देंगे स्टाइल वन और यहां पे मल्टीपल स्टाइल यूज करना है तो स्टाइल मल्टीपल स्टाइल यूज करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे और यहां पे स्टाइल नेम क्रिएट करते हैं स्टाइल्स डॉट बीजी कलर ये आपका पहला स्टाइल हो गया देन दूसरा स्टाइल्स नेम क्रिएट करना है स्टाइल्स डॉट फॉन्ट ये हो गया देन एक और क्रिएट करना है तो स्टाइल्स डॉट बॉर्डर तो इस टेक्स पे थ्री स्टाइल्स नेम क्रिएट हुआ है तो इन सबको अब स्टाइल सीट डॉट क्रिएट में टारगेट करेंगे तो फर्स्ट करते हैं बीजी कलर बैकग्राउंड कलर लेंगे रेड इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया और यहाँ पे सेकंड है फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट लेंगे फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट साइज एटी टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज एटी हो गया देन थर्ड है बॉर्डर तो बॉर्डर यूज करेंगे बॉर्डर border width 5 तो इसका बॉर्डर विथ 5 हो गया और बॉर्डर कलर चेंज करना है तो बॉर्डर कलर ग्रीन तो बॉर्डर कलर ग्रीन हो गया बॉर्डर रेडियस यूज करना है बॉर्डर रेडियस ट्वेंटी ये बॉर्डर रेडियस हो गया तो इस तरह से आप मल्टीपल स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव में सिंपली आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल स्टाइल्स नेम क्रिएट करते रहना है और जो भी आप स्टाइल्स नेम क्रिएट कर रहे हैं उसको यहाँ पे टारगेट करेंगे मतलब सी एस एस लिखेंगे और यहाँ पे मल्टीपल स्टाइल के अंदर इनलाइन स्टाइल लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका थ्री मल्टीपल स्टाइल है और एक इनलाइन स्टाइल देना चाहते हैं तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे और यहाँ पे कलर देंगे वाइट तो इस टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो जाएगा तो इस तरह से आप मल्टीपल स्टाइल के साथ इनलाइन स्टाइल भी दे सकते हैं तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया इनलाइन स्टाइल स्टाइल सीट डॉट क्रिएट और मल्टीपल स्टाइल और मल्टीपल स्टाइल के साथ इनलाइन स्टाइल तो इस तरह से आप रिएक्टिव में स्टाइलिंग दे सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में